जनाब चलते हैं की टर्म्स इन जनरेटिव जो यूज होती हैं और ये की टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए क्योंकि जनरेटिव वे को अगर आप सीखना चाहते हैं ऑब्वियसली अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैट में मुझे बता सकते हैं अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो लेकिन होपफुली आप सीखना ही चाहेंगे इसी वजह से आप ये वीडियो पे क्लिक किया या आप इस वीडियो को देख रहे हैं सो लेट्स जंप इन टू द की टर्म्स इन जनरेटिव अब की टर्म्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया इसको गैन बोला जाता है जी ए एन कैन ये वो पानी वाली कैन या कैन नहीं है दिस इज गैन जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क से निकला है सेल वी विल सी कि इसका क्या मतलब है एंड देन वी हैव जनरेटिव जनरेटिव मीन न्यू एडवर्ट नेटवर्क अभी हम देखते हैं ये मशीन लर्निंग का ही एक फ्रेमवर्क है वेयर टू न्यूरल नेटवर्क एक का नाम है जनरेटर एक का नाम है डिस्क्रिमिनेटर ये दो न्यूरल नेटवर्क साइड बाय साइड चल रहे होते हैं एंड आर ट्रेंड साइमल्टेनियसली थ्रू एडवर्सेरियल प्रोसेस प्रोसेस टू जनरेट न्यू सिंथेटिक इंस्टेंसिस ऑफ डेटा दैट कैन पास फॉर रियल डेटा फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कोई भी डी डायमेंशनल नाइज वैक्टर है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में लेकिन पहले आपको बता देता हूँ ये आपके पास एक जनरेटर न्यूरल नेटवर्क है और ये आपका डिस्क्रिमिनेटर न्यूरल नेटवर्क है ठीक है ये दो न्यूरल नेटवर्क साथ साथ चलते हैं अब होता क्या है यहां पे जनरेटिव ने, जनरेटर नेटवर्क को मैंने पास किया ठीक है इसने क्या किया फेक इमेजेस जनरेट की यहां से बिल्कुल फेक इमेजेस जनरेट की और यहां से हमारे पास रियल इमेजेस भी पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर हमने इस मॉडल को ट्रेन किया हुआ है जनरेटिव नेटवर्क को अब होगा क्या कि यहां से फेक इमेज आएंगी एक न्यूरल नेटवर्क से एज एन आउटपुट और यहां पे डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क के अंदर रियल इमेजेस भी आएंगे ठीक है अब होगा क्या जो फेक इमेज है इसको प्रिडिक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द रियल इमेजेस लेबल्ड ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि जो रियल इमेजेस हैं उनकी बेस पे आप प्रिडिक्ट करेंगे लेबल्स को बाय यूजिंग अ डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क लेकिन आपके पास डेटा जो होगा इनपुट में वो फेक इमेजेस का होगा तो एक साइड से आप फेक इमेजेस जनरेट करेंगे डिस्क्रिमिनेटर में डालेंगे जनरेटर के बाद एंड देन दैट डिस्क्रिमिनेटर विल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फेक एंड रियल इमेजेस और वो आपको प्रेडिक्ट करके देगा लेबल्स ठीक हो गया अब आगे चलते हैं डिस्क्रिमिनेटर होता क्या है अगर आप राइट साइड पे यहां पे देखें तो आपको डिस्क्रिमिनेटर की डेफिनेशन नजर आएगी डिस्क्रिमिनेटर इन गैन गैन के अंदर डिस्क्रिमिनेटर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ गैन दैट इज ट्रेनड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड जनरेटेड और फेक डेटा डेटा इमेजेस भी हो सकता है ऑडियो भी हो सकता है इट कुड बी एनी थिंग ठीक है तो डिस्क्रिमिनेटर आपका डिफरेंशिएट करता है बिटवीन रियल एंड फेक थिंग्स इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेंसिक की टीम होती है बेसिकली दे कैन ट्रेन डिस्क्रिमिनेटर्स और उन डिस्क्रिमिनेटर्स की बेस पे दे कैन फाइंड आउट कि सम कंटेंट हैज़ बीन जनरेटेड बाय गैंस और नॉट बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटर्स क्योंकि जो चीज़ आपके पास ओरिजिनल में रियल इमेजेज नहीं पड़ी आप उसका फर्क कैसे तलाश कर सकते हैं बट वी विल कीप दैट इन माइंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जिसका नाम है जनरेटर अब जनरेटर क्या होता है द कंपोनेंट ऑफ ए गैन या जो आपके पास जनरेटिव एडवर्सिरियल नेटवर्क है इसका एक कंपोनेंट है दैट इज ट्रेंड टू जनरेट डेटा रिजेंबलिंग द रियल डेटा ठीक है ये आपको रियल डेटा की तरह का डेटा जनरेट करता है एमिंग टू फूल द डिस्क्रिमिनेटर इन टू क्लासीफाइंग द जनरेटेड डेटा सेट एज रियल इसका एम यह होता है कि मैं डिस्क्रिमिनेटर को जब ये फेक इमेज दूँ वो पता ही ना लगा पाए कि यह रियल इमेज है कि फेक इमेज है इतना कमाल का काम करे ठीक है सो so, डिस्क्रिमिनेटर के लिए जनरेटर जो है ये बेसिकली एक ऐसी डेटा को जनरेट करता है विच कैन नॉट बी एक्चुअली डिस्क्राइब्ड विच कैन एक्चुअली डिस्क्राइब्ड बाई टेकिंग द लेबल्स ऑफ रियल इमेज ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे दो लिख के ये इमेज यहां पे देता हूं और मैं जनरेटर नेटवर्क को कहता हूं कि दो लिखो

जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है या की टर्म है डेट इज कॉल्ड वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स या वी एज ठीक है होर वही ये वही है मैं इसे वही की तरह याद रखता हूं सारी बात है पंजाबी लफ्ज़ है वही और भी की हाल है तो ये वो वाला वही है वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स अब होता क्या है अ जनरेटिव मॉडल दैट यूज न्यूरल नेटवर्क टू इनकोड इनपुट्स इन टू लेटेंट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड देन रिकन्स्ट्रक्ट द इनपुट फ्रॉम दिस रिप्रेजेंटेशन इफेक्टिवली लर्निंग द प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनपुट डेटा होगा क्या जरा गौर कीजिएगा मैं आपको समझाता हूँ यह क्या कहना चाह रहे हैं आपने एक इनपुट डेटा दिया जिसको मैक्स बोलते हैं इनपुट डेटा इन कोडर के अंदर गया ठीक है इन कोडर ने क्या किया उस इनपुट डेटा की बेस स्पेस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉबिलिटी की बेस पे एक लेटेंट स्पेस के अंदर पेस्ट कर दिया यानी कि जो भी आपने इनपुट दी उस इनपुट के ऊपर से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस या वट एवर इट लर्न फ्रॉम दैट डेटा या पैटर्न आप कह लें और उन पैटर्न्स को एक लेटेंट स्पेस के अंदर उसने पेस्ट कर दिया ये लेटेड स्पेस आप यही समझ लें कि आपने इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि आपका घर है एक और आपका एक हमसायों का घर है ठीक है आपने क्या किया है आपके घर आ गए मेहमान मेहमान आ गए हैं लेकिन घर में चाय के लिए दूध नहीं पड़ा हुआ और रात के बज गए हैं एक से डेढ़ और आप बाज़ार भी नहीं जाना चाहते तो आप क्या करते हैं हमसायों के घर जाते हैं उनको कहते हैं दूध दे देने ठीक है वो आपको देते हैं दूध का एक बॉल दे देते हैं या ग्लास दे देते हैं या जग में डाल के आप ले आते हैं वो दूध जब आप ले कर आए हैं आप हमसायों के सामने आके ये नहीं कहते कि मैं नाल दिया करो फड़ के ले आए सॉरी मेहमानों के सामने आप ये नहीं कहते कि मैं साथ वाले घर से पकड़ के लेके आया हूँ आप क्या करते हैं उसको एक लेटेंट स्पेस में रख देते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन पास ही ना हो कि पीछे डेटा कहाँ से आया बिकॉज इट डजेंट मैटर कि डेटा कहाँ से आ रहा है और इनकोड क्या इनकोड कर रहा है वहाँ पे इनकोडर आप क्या करते हैं लेटेंट स्पेस में जब कोई चीज रख देते हैं एट द एंड आप उसे डिकोड करते हैं डिकोड करके आप एक आउटपुट बना देते हैं सो वी इज़ वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स यही काम करते हैं कि डेटा को लिया उसको इनकोड किया इनकोड करने के बाद एक लेटेंट स्पेस के अंदर रख दिया और लेटेंट स्पेस से फिर बाद में डिकोड करके आउटपुट आपको बना दी और बिलीव मी वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स जो हैं ये बेसिकली डेटा को इनकोड करके डी करने का काम रखते हैं बट एक्चुअल में उनकी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए ठीक है यहाँ तक समझ आ गई जैसे अक्सर अकात कह देते हैं ना कि ख़बर है फलां जराए जराए से, से ये खबर हमें मिली है वो जराए नहीं बताते

आपने क्या किया जब उसको लेटेंट स्पेस में लेके गए तो आपने उसकी डायमेंशन लो कर दी और उसकी स्ट्रक्चर भी चेंज होगी लेकिन मीनिंग वही रहा मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं आपके पास एक कंबल है वो आपका इनपुट डेटा है आप उस कंबल को उठा के एक बैग में बंद करते हैं उसको बोलते हैं कंबल को कंप्रेस करना या जिप करना तो आप देखेंगे जो ओरिजिनल कंबल जो आपने खोला हुआ था उसका हुजम काफी ज्यादा था वॉल्यूम काफी ज्यादा था पूरे बेड पे आ गया था बट वेन यू जिप दैट अप इन टू अ बैग उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड रहा वो कंबल ही है लेकिन कंप्रेस हो गया इसी तरीके से आप क्या करते हैं डेटा को कंप्रेस स्पेस के अंदर ले जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है यानी कि ख्याली बात आप करते हैं ओरिजिनल बात को नहीं आप रखते वहां पर इन लोअर डायमेंशन स्पेस लर्न बाय मॉडल्स लाइक ऑटो इनकोडर्स अब ये ऑटो इनकोडर्स क्या करते हैं ये बेसिकली इस डेटा से लर्न करते हैं ऑटो इनकोडर्स कई किस्म के हैं और वो ऑटो इनकोडर्स लर्न करने के बाद जब इसको एक लेटेंट स्पेस के अंदर डेटा को कंप्रेस करके ले आते हैं देन इन जनरेटिव मॉडल्स नेविगेटिंग थ्रू दिस स्पेस अब ये जो डिकोडर हैं ये जनरेटिव मॉडल्स हैं ये इस स्पेस के थ्रू नेविगेट करते हैं एंड जनरेट अ न्यू डेटा समझ आ गई बात की तो जो ऑटो इनकोडर्स कर रहे थे वो उठा के डेटा यहाँ पे फेंक रहे हैं जनरेटर क्या कर रहे हैं यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके नई चीज़ बना रहे हैं मैं आपको मिसाल दे देता तो, हूँ एक और मिसाल दे देता तो. हूँ बहुत अच्छी मिसाल आपको देने वाला हूँ मुझे बचपन में एक शौक़ था और ऐसा शौक़ था जो रियल बता रहा हूँ बिलीव मी बिल्कुल रियल शौक था ये मैंने बचपन में कैंची चला चला के ना अपने अम्मी अबू की शादी की सारी तस्वीरें काट दी थी और जो लोग आ, मेरे रिलेटिव्स में यहाँ से मुझे सुन रहे हैं या फ्यूचर में देखेंगे उनको पता है कि ये स्टोरी ट्रू है अब मैं उसकी मिसाल को यहाँ पे फिट करता हूँ कि आपके पास सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं ठीक है आप तस्वीरों को प्रिंट करके अपने पास रख रहे हैं तो ये ओरिजिनल डेटा है लेकिन आप क्या करें उन तस्वीरों को रेंडमली आप कट कर दें छोटे छोटे पीसीस के अंदर किसी का नाक कहीं पे जा रहा होगा किसी का कान कहीं पे जा रहा होगा किसी के बाल कहीं पे जा रहे होंगे किसी की दाढ़ी कहीं पे जा रही होगी किसी का पेंट कोट कहीं पे जा रहा होगा सो वट एवर इट हैपन्स उसको ऐसे कट करना है कि हर मटेरियल सेपरेट हो लेकिन वो आइडेंटिटी डेटा की मेंटेन रहे यानी कि वो इंसानों की तस्वीरें नहीं लेकिन ये पता ना लगा सकें कि कौन सी तस्वीर किसके साथ मैच कर रही है सो बेसिकली लेटेंट स्पेस क्या होती है आप तस्वीरों को उठाएं और उसको एक लोअर डायमेंशनल स्पेस में ले आए यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट करके आप एक लेटेंट स्पेस के अंदर रख दें यह हो गया ऑटो इनकोडर्स का, का काम तस्वीरें काटना और उनको एक जगह पे सेव कर देना अब वो जो तस्वीरें कटी हुई हैं उससे दोबारा से जनरेटर्स का काम है या डिकोडर्स का काम है नया डेटा बनाना अब हो सकता है वो नाक किसी का उठाए मुंह किसी का उठाएं और एनक किसी को उठाएं और वो नया इंसान बना दे इट कैन हैपन और जनरेटिव एआई यही कुछ करती है आपका बेसिकली डेटा में से लेटेंट स्पेस में सारे का सारा डेटा की इंफॉर्मेशन चली जाती है एंड फ्रॉम देयर डिकोडर्स कैन एक्चुअली जनरेट न्यू थिंग्स दिस इज लेटेंट स्पेस और होपफुली इसकी आपको समझ आ गई होगी यहां तक समझ आ गई आपको ओके okay. देन हमारे पास ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स आते हैं अब ट्रांसफार्मर मॉडल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनको ट्रांसफार्मर्स भी कहा जाता है और बहुत ज़्यादा लोग इस बात में बार बार मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर्स कब पढ़ा रहे हैं ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं और हम कैसे सीख सकते हैं भाई पहुँच गए हम ट्रांसफार्मर्स पर मुबारक हो लेट्स अ टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल ये डीप लर्निंग का मॉडल है प्राइमरी यूज फॉर हैंडलिंग सिक्वेंशल डेटा सबसे पहले ये सीक्वेंस के डेटा के ऊपर काम करता था एनएलपी का डेटा हो गया या टाइम सीरीज का डेटा हो गया उस पर काम करता था सच एज एन एल पी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस या आपकी टास्क लाइक ट्रांसलेशन टेक्स्ट जनरेशन एंड मोर ये इन चीज़ों पर बहुत अच्छा काम करते हैं खासतौर पर ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स अब होता क्या है टाइम सीरीज़ के डेटा के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जब मैं आपको आर एन एन पढ़ा रहा था रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और साथ में एल एस टी एम पढ़ाया आपको जिसको हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो बोलते हैं और ये आर एन एन की टाइप होती है देन मैंने आपको जी आर यू यानी कि गेटेड रिकरेंट यूनिट्स के बारे में बताया था ये क्या करते हैं आपके सेंटेंस की सीक्वेंस को भी याद रखते हैं मिसाल देता हूँ मैं आपको आपने एक सेंटेंस बनाया मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ माई नेम इज़ मोहम्मद अमार तो ये एक सेंटेंस है इसकी सीक्वेंस मैटर करती है अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोल लू ये दूसरी टाइप आपके सामने है मोहम्मद तुफैल इज़ नेम माई तो सीक्वेंस का बेड़ा गर्क हो गया अब यह सीक्वेंस बहुत मैटर करती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में खासतौर पे इंग्लिश में उर्दू में भी करती है जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें सीक्वेंस मैटर करती है यह सीक्वेंस मॉडल्स कैसे याद रख सकते हैं इन सीक्वेंस को याद रखने के लिए यू कैन एक्चुअली यूज सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स क्यों क्योंकि उनमें एक अटेंशन मैकेनिज्म होता है अटेंशन क्या है वो सीक्वेंस के पॉइंट्स को याद रखते हैं मिसाल के तौर पे, अगर आप एक पूरी की पूरी मैं कहता हूँ कि सौ पेज़ की बुक को इन मॉडल पे मॉडल को ट्रेन करते हैं उस बुक के पेजेस के ऊपर दे कैन इवन टेल यू कि फ्ला लवस कितने पेजेस में कब कब कहाँ कहाँ पे आया है एंड इवन दे कैन जनरेट न्यू टेक्स्ट बेस्ड ऑन दैट उनकी याददाश्त इतनी अला होती है सो ट्रांसफ़र मॉडल में अटेंशन मैकेनिज्म होता है मैं इनको आपको आसानी से समझा देता हूँ ट्रांसफ़र मॉडल्स को हम रट्टेबाज़ भी कहते हैं रट्टेबाज़ वो लोग जिनको ये पता होता है कि फ्लाँ पेज नंबर है उसका फ्लाँ पॉइंट है और यहाँ पर जाके ये लफ्ज़ लिखा हुआ है ठीक है इसकी एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ हमारे यहाँ कुछ ऐसे हफाज कराम भी होते हैं जिनको कुरान मजीद की आयतों का भी पता होता है उनके रेफरेंसिस भी याद होते हैं अहदीस की किताबों के भी रेफरेंस याद होते हैं एंड दे कैन फर फर से द फ़लाँ आयत नंबर फ़लाँ चैप्टर नंबर जैसे काफ़ी उम्मा कराम गुजरे हैं मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला यहाँ पे बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट रियली अ कॉन्टेक्चुअल डिबेट लेकिन एट द एंड आपको पता है कि वो याद करने के लिए उनका अटेंशन मैकेनिज्म अच्छा होना ज़रूरी है भाई आई ने उसको भी रिप्लेस किया इन अ वे इसको ट्रांसफर मॉडल्स कहते हैं लेट्स सी अब दोबारा पढ़ते हैं अ टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल फॉर हैंडलिंग सिक्वेंशियल डेटा सच एज नेचुरल लैंग्वेज फॉर टास्क लाइक ट्रांसलेशन टेक्स जनरेशन एंड मोर ठीक है एंड दे आर नोन फॉर देयर सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसकी आज के दौर की जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स ये जनरेटिव ए के अंदर ही यूज होते हैं प्री ट्रेन यानी कि पहले से ट्रेंड है ट्रांसफॉर्मर्स क्यों है क्योंकि दे एक्चुअली वर्क ऑन द अटेंशन मैकेनिज्म अटेंशन मैकेनिज्म क्या है दे नो द स्पेसिस जहां पर उन्हें ट्रेन किया गया अब डेटा यहाँ पे आप देते हैं टेक्स्ट इमेजेस स्पीच या स्ट्रक्चर डेटा या थ्री डी सिग्नल या वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोवाइड उस पर यह ट्रेन होते हैं देन बेस्ड ऑन दैट ऑन दडेपन मैकेनिज्म यू कैन आस्क मैनी थिंग आप ऑब्जेक्ट रिगनाइज करा सकते हैं इमेज कैप्शनिंग करवा सकते हैं इन्फॉमेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं जो आप करते हैं जी के अंदर जो काम भी आप चैट जी के अंदर कर रहे हैं ना वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर मॉडल्स की होती हैं क्यों क्योंकि जी बेसिकली जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स का ही नाम है ठीक है और इसके डिफरेंट वर्जन होंगे उसी वो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी ट्रांसफर मॉडल्स को समझना बहुत ज़रूरी है इस वजह से मैंने इसको यहां पे ऐड किया लेट्स मूव अ हैड यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसफर मॉडल्स के अंदर कुछ खूबियां भी हैं दीज आर न्यू न्यू मॉडल्स कुड दस बी ट्रेंड ऑन बिलियंस ऑफ पेजेस ऑफ टेक्सट रिजल्टिंग इन आंसरिंग विद मोर डेप्थ आप अपना जितना भी मवाद है ना थीसिस का या आपके पास बिलियंस ऑफ पेजेस भी हैं आप ट्रांसफर मॉडल्स पे पर उनको uh, ट्रांसफर मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं एंड देन यू कैन आस्क के फ्लां जगह पे क्या लिखा हुआ है बिलीव मी यू कैन क्रिएट एन ऐप यूजिंग ट्रांसफर मॉडल्स विद इन नो टाइम आप अपना डेटा दें वो उसी पे आप क्वेश्चन पूछते जाएं। सो दैट्स द ब्यूटी आप जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स को अपने थीसिस लिखने के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं आई एम नॉट गोना टेल यू कि कैसे करना है क्योंकि फिर लोग पढ़ेंगे नहीं बट आई कैन टेल यू कि ऐसा पॉसिबल है यू कैन ट्रेन एनी थिंग एप यू कैन ट्रेन एनी थिंग ऑन ऑल द पेपर यू हैव डाउनलोडेड और मैंने ये प्रैक्टिस भी की थी कि हमने उन्नीस सौ इकसठ से लेकर दो हजार बाईस तक के डेटा के ऊपर अपना मॉडल रन किया एंड देन एग्जैक्टली हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाए थे बाई यूजिंग जीपी टीज और बिलीव मी इट्स वेरी इजी टू डू नेक्स्ट चलते हैं जी अब हमारे पास ट्रांसफॉर्म मॉडल जो है इन एडिशन ये क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मर अनलॉक ए न्यू नोशन अटेंशन दैट इनेबल्ड मॉडल टू ट्रैक द कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स अक्रॉस पेजेस तो आप वर्ड्स के जो कनेक्शन है उन्हें भी देख सकते हैं चैप्टर्स के भी बुक्स के भी रादर देन जस्ट एन इंडिविजुअल सेंटेंस अक्सर को आप डिफरेंट मॉडल जो हैं सिर्फ इंडिविजुअल सेंटेंस पे काम करते हैं बट ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं ये बेसिकली अटेंशन मैकनिज़म की वजह से बिलियज ऑफ पेजेस पे आप ट्रेन कर सकते हैं और आप उनमें से जो भी चाहे आप काम ले सकते हैं और ये सिर्फ वर्ड्स पर काम नहीं करते This, these can also transformers could also use their ability to track connections to analyze code. मैंने आपको पहले बताया किसी भी जुबान को ये रीड कर सकते हैं उर्दू हो इंग्लिश हो हिंदी हो बंगाली हो वट एवर यू आर वर्किंग ऑन ये उसको रीड कर सकते हैं और दे कैन एक्चुअली फाइंड द अटेंशन मैकेनिज्म के कहाँ पे क्या है अब मेरी बात गौर से सुनिएगा कोड भी तो एक जुबान है ना तो क्यों जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप चैट जी से पूछते हैं ज पे भी ट्रेन किया जाता है अब जैसे चैट जीपीटी के अंदर आपको कोड लिखवाना चाहे पूछते हैं कि मैंने फ्लां प्लॉट बनाना है चैट जीपी टी फक ठक ऐसे करके आपको वो दे देती है सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू समझ आ गई लेट्स नेक्स्ट क्या चलते है? हमारे पास यहां पर ट्रांसफॉर्मर्स को हम और जगहों पर भी ट्रेन कर सकते हैं जैसे एनालाइज द कोड प्रोटीन्स एंड केमिकल्स प्लस डीएनए आप कोई भी मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं बाय जस्ट गिविंग देम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एट दी एंड वो आपको फार्मूला भी बता देगा एंड इट कैन आल्सो क्रिएट द प्रोटीन स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता तो एल्फाफोल टू तो इज वन ऑफ द थिंग विच कैन हेल्प यू अलॉट यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया कि ट्रांसफर मॉडल्स क्या होते हैं दैट्स गुड अब आपको लेके चलता हूं कि ट्रांसफर मॉडल्स के अंदर लफ्ज़ यूज हुआ है जीपीटी के अंदर प्री ट्रेन मॉडल्स तो उसको हम देखते हैं कि प्री ट्रेन मॉडल क्या होता है और प्री ट्रेन मॉडल क्यों कब कैसे कहां पर जरूरी होता है ठीक है अब देखते हैं प्री ट्रेंड मॉडल जो हैं ये बेसिकली अ मॉडल दैट हैज बिन प्रीवियसली ट्रेन ऑन अ लार्ज डेटा सेट एंड कैन बी यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर ट्रेनिंग ऑन अ न्यू टास्क ओफन विद अ फ्योर डेटा इसके ऊपर कल का हमारा पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है अगर आप जाएंगे हमारे वेबसाइट के ऊपर भी और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिए होंगे सिक्स मंथ ऑफ ए आई एंड डेटा साइंस का लिंक अब वो टोटली फ्री के अंदर टोटल सारे हमारे सारे लेक्चर पड़े होंगे वहाँ पर ट्रांसफर लर्निंग के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा गुफ्तु किया और पूरा हमने डेढ़ से दो घंटा इस पर गुफ्तु किया यू कैन लर्न फ्रॉम देयर यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अ मॉडल दैट हैज बिन प्रीवियस प्रीवियस ट्रेंड अ लार्ज डेटा सेट आप उसी मॉडल को न्यू टास्क यानी कि स्मॉल डेटा सेट पर लेके आ सकते हैं दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग और ट्रांसफर लर्निंग के लिए कल की एक असाइनमेंट थी जिसके अंदर मैंने आपसे पूछा था पिछले लेक्चर के अंदर कि कौन कौन सी बेसिकली जनरेटिव ए के अंदर प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं जो इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 2012 के अंदर एलेक्सनेट लॉन्च हुआ था ठीक है एलेक्स नेट ने बेसिकली एंट्री ली थी आपके 2012 के एक मेजर कंपटीशन के अंदर एलेक्सनेट की बेस के ऊपर आप एक डेटा बेस की बेस के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करते थे एंड देन वी आया फर्स्ट रनर आप इन 2014 एंड देन आपके पास अगेन 2014 के अंदर गूगल नेट आया था ठीक है सो दीज थ्री मॉडल्स वर द बेसिस ऑफ इमेज क्लासिफिकेशन देन इफ यू गो टू वर्ड्स रेज नेट रेज नेट या रेज नेक्स्ट इसके अंदर क्या हुआ था 2016 के अंदर क्लासिफिकेशन के टास्क के लिए ये यूज़ हुआ था लेकिन उससे पहले अगर आप गौर करें हम इस तरीके से जाएं तो रेजनेट दो में आया स्क्वीजनेट दो में आया एंड देन दो के अंदर ही रेज नेक्स्ट भी आ गया था विच वॉज एक्चुअली अ काइंड ऑफ सिमिलर टू रेजनेट ये मॉडल्स ऐसे जा रहे हैं 2012 हज़ार बारह में एलेक्सनेट रेजनेट दो में रेज नेक्स्ट रेजनेक्सट फिर इस तरीके से आ गया स्क्वीजनेट भी था देन 2017 में एक बहुत बड़ा बेस्ट पेपर का अवार्ड भी इन्हें मिला था कॉन्फ्रेंस के अंदर और इसकी सिमिलैरिटी जो है वो रेजनेट की तरह ही थी रिजल्ट मतलब इसी की तरह थे लेकिन इसके पैरामीटर रेजनेट से हाफ थे यानी कि डेंस नेट जो एक मॉडल है ये बेसिकली आधी कीमत में पूरा काम कर रहा था या आप कह सकते हैं कि आधे पैरामीटर्स ने वही काम किया जो रेजनेट ने किया सो so बेसिकली कल एक क्वेश्चन आया था कि हम एज ए मैथमेटिशियन क्या कर सकते हैं डेटा साइंस और ए की दुनिया के अंदर आप ये कर सकते हैं आप रेजनेट के मॉडल या किसी भी किस्म का को कोई मॉडल है उस पर जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो रिसोर्सेज भी ज्यादा लग रहे हैं एंड टाइम इज मनी इज एक्चुअली मनी इन एआई क्योंकि हर एक घंटा या हर एक सेकंड जो है अक्सर कंपनीज को मिलियंस में भी Uh, जो है वो पैसे देने पड़ते हैं जस्ट टू लॉन्च देयर मॉडल्स सो बिलीव मी अगर वो मिलियंस में पैसे दे रहे हैं एंड यू फाइंड आउट के वो जो काम एक घंटे में कर रहे हैं वो तीस मिनट के अंदर हो सकता है सो यू कैन एक्चुअली सेव मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इन दीज एल्गोरिथम्स तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप वैसे उसे यूज करते हैं बट फिर आपके पास शफल नेट वर्जन टू आया एंड देन एक और आपके पास मॉडल आया मोबाइल नेट वर्जन टू मोबाइल नेट वर्जन टू पे हमने कल बात भी की थी ये स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस ऑफ मोबाइल मॉडल्स है ऑन मल्टीपल टास्क आप कोई भी इस पर काम करवा सकते हैं विच इज़ अ वेरी न्यू मॉडल सो आप देखें कि हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल्स ऑलरेडी काफ़ी पड़े हुए हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने ट्रेन की हैं एंड वी कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ दीज प्री ट्रेन मॉडल्स एंड वी कैन डू आर टास्क विद इन नो टाइम ठीक है ट्रांसफर लर्निंग दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेटिव अब आगे चलते हैं फाइन ट्यूनिंग आप कैसे कर सकते हैं प्री ट्रेंड मॉडल्स की आप क्या करते हैं यह भी एक की टर्म है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग प्री ट्रेन मॉडल एंड कॉन्टिन्यूइंग द ट्रेनिंग ऑन न्यू टिपिकली स्मॉलर डेटा सेट फॉर स्पेसिफिक टास्क अलाउंग द मॉडल टू अडेप्ट टू न्यू कॉन्टेक्सट आप मॉडल को लेते हैं ट्रांसफर लर्निंग के अंदर ही और उसका आधा पीछे वाला मॉडल ले लिया और आधा आगे वाला मॉडल ले लिया या सिर्फ लास्ट पे कुछ 25 परसेंट मॉडल का हिस्सा जो है वो आपने अपने न्यू डेटा के लिए रख लिया बाकी पुराने का मोराना मॉडल ही ट्रेन किया जिससे कॉन्टेक्स चेंज हो सकता है और जिससे आपके डेटा के ऊपर मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर सकता है अगेन आई वुड सजेस्ट कि कल वाला लेक्चर आप देखें उसमें ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं अब यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि हमारे लिए क्यों जरूरी है अब आगे चलते हैं एक ये वाला लफ्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल और डीप फेक इसे बोला जाता है डीप फेक क्या है कैन एनी बॉडी टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन डीप फेक आपको भी पता है एक ऐसी टेक्निक है फॉर ह्यूमन इमेज सिंथेसिस बेस्ड ऑन एआई यानी कि अगर आप किसी इंसान की इमेज बनाएं बेस्ड ऑन एआई इसको बोलते हैं डीप फेक और ये बेसिकली गैंस यानी कि जनरेटिव एडवर्सीयल नेटवर्क्स को यूज करके बनाई जाती है और यूजुअली ज्यादातर गैंस ही यूज होते हैं टू तो क्रिएट कन्विंसिंग येट फेक इमेजरी और वीडियोज दैट अपियर रियल आपको भी पता है कि गैंस जो हैं इन्हें आप यूज़ करके कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं और इन आज के टॉपिक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ट्रांसफर लर्निंग की बेस पे या हम डेंस नेट की बेस पे कोई इमेज जनरेट करके देखें यूजिंग टेंस ऑफ इट विल टेक टाइम अगर टाइम बचा तो ज़रूर वरना कल के लेक्चर के अंदर इसका पार्ट बना लेंगे सो डीप फेक एक ऐसे टर्म है जो सिर्फ ह्यूमन इमेज़ की बात हम कर रहे हैं कि आप एक इंसान की तरह का इंसान बनाएं जो फेक हो लेकिन अपीयर रियल हो ठीक है इसको बोलते हैं फेक इमेजेस एक ऐसा डेटा जो आर्टिफिशलीटेक्स दल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा यूज फॉर ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल विदाउट और लिमिटेशन ऑफ द रियल डेटा सेट इसकी मिसाल आपको देता हूं हमने बैंक चर्न एनालिस किया था डेटा सेट का वो बेसिकली डीप लर्निंग के थ्रू जनरेटेड डेटा था ओरिजिनल डेटा कुछ और था तो बैंक चर्न एनालिसिस जो रिसेंटली हमने किया टाइम सीरीज सॉरी बैंक चर्न का का uh, हमने जब एनालिसिस किया था जिसमें प्रडिक्ट किया था कि कौन लोग बैंक छोड़ रहे हैं कौन नहीं छोड़े और ये कैगल पे कंपटीशन भी मौजूद है वो बेसिकली सिंथेटिक डेटा है उसका ओरिजिनल डेटा पड़ा हुआ है सो दीज आर द थिंग्स विच कैन एक्चुअली क्रिएट न्यू डेटा एज वेल ठीक है देन हमारे पास एक टर्म आती है बाइस इन ए ये की टर्म्स हैं जनरेटिव ए को सीखने से भी पहले आपको होनी चाहिए पता होनी चाहिए और अब हम देखते हैं बाइस इन ए क्या होता है सिस्टमैटिक एंड अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन इन द आउटपुट ऑफ ए आई सिस्टम ऑफन रिफ्लेक्टिंग एग्जिस्टिंग प्री प्री इन द ट्रेनिंग डेटा और डिजाइन ऑफ द एल्गोरिथम अब होता क्या है अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन जब हो इन द आउटपुट ऑफ ए आई सिस्टम यानी कि मैंने जब डेटा बनाया सिंथेटिक डेटा बनाया और डेटा बनाते बनाते मैं कह दूँ कि फ्लां क्लास को जरा हैवी रखना इसको बोलते हैं डेटा की बाइस यानी कि ए आई की बाइस और बाइस ए आई के अंदर यही वो इक्कीस बाइस वाली बाइस नहीं है बाइस का मतलब होता है कि एक बंदे को ज़्यादा प्रियोरिटी देना है एज़ कंपेयर टू द अदर पर्सन या ए आई के अंदर एक चीज़ को ज़्यादा प्रियोरिटी देना एज टू द अदर चीज़ या एक क्लास को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है एज़ कंपेयर टू द अदर क्लास तो ये जो बाइसनेस है ये आपको पता है हमारे माशरे का हिस्सा भी है एंड आई विल टेक दिस ऑपरचुनिटी टू टेल यू कि यार कभी भी अपनों का ज़्यादा ख्याल ना करें किसी को नुकसान पहुंचाते हुए इसकी मिसाल में देता हूँ बाइसनेस होती क्या इसकी मिसाल पंजाबी में देता हूँ कि वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि अन्ना मंडे वंडे मठियाँ तो मुड़केड़ अपने नुदवें एक बंदा है वो अंधा है लेकिन उसको फिर भी पता है कि यहाँ पे मेरे लोग बैठे हुए हैं और वो चीज़ बांट रहा है मिठाई बांट रहा है वो बार बार उन्हें दे जा रहा है इसको बोलते हैं बाइसनेस इसी तरीके से ए के अंदर भी बाइसनेस होती है और वो ए आई क्या होती है मिसाल के तौर पर मैं इमेज बनाने जा रहा हूँ अब अगर ए मॉडल को मैं ऐसे डेटा पे ट्रेन करता हूँ जो सिर्फ पाकिस्तानी बंदों की इमेजेस बना रहा है तो जब मैं नई इमेज बनाने का कहूंगा ना क्योंकि वो ट्रेन पाकिस्तानी डेटा सेट पर है तो वो ऑटोमेटिकली एवरी टाइम वन आई गिव इमेजेस तो वो क्या करेगा पाकिस्तानी स्टाइल में इमेजेस बनाएगा विच इज अ काइंड ऑफ बाइसनेस क्योंकि जब आप ह्यूमन की बात कर रहे हैं कलर्स भी होने चाहिए उसमें हर ओरिजन हर एथनीसिटी के लोग होने चाहिए That's what you need to learn in AI biasness. जी यहां तक क्लियर हो गया अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आपने बड़ा नाम सुना होगा यह भी एक टर्म है जो जनरेटिव वे के अंदर बहुत यूज होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर एक्चुअली एल एल आपने सुना है नाम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इन्हें बोला जाता है दीज आर एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स ठीक है जिसमें चैट जीपीटी भी आ जाता है बार्ड भी आ जाता है जेमेन भी आ जाता है ल्यूमियर भी आ जाता है लेमा टू भी आ जाता है देर आर मेनी मॉडल्स जो ऑलरेडी मार्केट uh, के अंदर मौजूद हैं दीज आर डिजाइन टू अंडरस्टैंड जनरेट एंड इंटरेक्ट विद ह्यूमन लैंग्वेज एट लार्ज स्केल आपको भी पता है कि ऐसा मॉडल जो लार्ज स्केल पे इसी वजह से इसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोला जाता है कोई भी आप जुबान बोल लें कुछ भी आप इनसे पूछें ये आपको इंसानों की तरह ही जवाब दें इसको बोला जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये सिर्फ जवाब नहीं देते आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं कॉन्टेक्ट भी बनाते हैं एंड देन दे थिंक इन अ वे कि आप जो बात कर रहे हैं मैंने जवाब भी उसे टॉन के अंदर देना है ठीक है एंड दीज मॉडल्स आर ट्रेंड ऑन एक्सटेंसिव कलेक्शंस ऑफ टेक्स डेटा इनेबलिंग देम टू ग्रैस अ वाइड रेंज ऑफ लिंग्विस्टिक पैटर्नस स्ट्रक्चर एंड नॉइंसिस अब होता क्या है कि जब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करते हैं ना वो ऑलरेडी आपकी ज़ुबान जानते हैं उन्होंने वो ज़ुबान सीखी है कैसे सीखी है आपके टेक्स से आपके रूल ऑफ ग्रामर्स को सीखा है पंक्चुएशन को सीखा हुआ है उन्होंने सीखा हुआ है कि कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है उन्होंने सीखा हुआ है कहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगाना है उनको पता है कहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बनाने इवन दो दे कैन राइट देन अ ह्यूमन क्यों क्योंकि हमें एज ए ह्यूमन बींग काफ़ी चीज़ें याद नहीं रहती और ना हम सीखना चाहते हैं मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बुक लिख रहा हूँ तो मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से अच्छी बुक नहीं लिख सकता हाँ कॉन्टेक्स्ट अच्छा हो सकता है टेक्स्ट में ये अच्छे होते हैं खासतौर पे इंग्लिश की मैं बात करूँ अब उर्दू में ये थोड़ा सा पीछे हैं क्योंकि उर्दू का इतना रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने ट्रेन ही नहीं किया क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले वाली जाने वाली जुबान इंग्लिश है स्टिल इट इट कैन नॉट बी हंड्रेड परसेंट परफेक्ट जैसे इंसान नहीं हंड्रेड परसेंट परफेक्ट हो सकते हैं इसी तरीके से ये भी नहीं होंगे सो देर इज अ चांसिस के ये अक्सर का ज्यादा एक्यूरेट होते हैं अक्सर का हम ह्यूमन बींग्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर आपके पास मॉडल्स विद बिलियंस और इवन ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर ट्रेन होते हैं जैसे जी पी टी एलगुरेथम्स हैं एंड हैव ओपन ए न्यू एयरा एन विच जनरेटिव ए आई मॉडल्स कैन राइट एंगेजिंग टेस्क टेक्स्ट पेंट फोटो रियलिस्टिक इमेजेस एंड डू अ ऑफ अदर ठीक है एल एल एम्स के अंदर एक और टर्म यूज होते जिसे बोलते हैं मल्टी मॉडल ए आई अब इसकी बात करते हैं एक मॉडल ऐसा है जनाबे वाला जो क्या करता है आपकी इमेज को जनरेट कर रहा है एक मॉडल ऐसा है जो आपके टेक्स्ट को जनरेट कर रहे हैं और एक मॉडल ऐसा है जो आपके ऑडियो को जनरेट कर रहे हैं अगर आप इन तीनों चीजों को इकट्ठा एक ही जगह पे एक ही प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज करें दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल ए आई आपके पास एन भी यानी कि टेक्स्ट जनरेशन भी होगी इमेज भी होगी एंड अदर टास्क भी हो गए सो मल्टी मॉडल ए इस दुनिया में यानी कि इस वक्त प्रेजेंट अगर मैं नाव की बात करूं जैसा हमारा टाइटल भी है कि ए इज़ नाव जनरेटिव ए इज़ नाव अगर ए की बात है तो जनरेटिव ए टॉप पे है इस वक्त इस वजह से ए इज़ नाव की बात हो रही है वहाँ पर आपके पास मल्टी मॉडल की जो मॉडल्स हैं ख़ासतौर पर वो सबसे ज़्यादा अहम है लेट्स सी अब ये करते क्या हैं These generate content. <coughs> These generate content across multiple types of media, including text, graphics, and video. This is basis for tools like Dali that automatically create images from a text description or generate text captions from images. सो इट कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू वो एक साइड पर भी चल सकते हैं और रिवर्स साइड पर भी चल सकते हैं यानी कि आप इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट को इमेज में भी कर सकते हैं मल्टी मॉडल का मतलब ये कि जनरेट कंटेंट अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया यहां तक आपको समझ आ गई होगी नाबे वाला कि हमारे पास जनरेटिव ए आई के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको सीखना जरूरी है जनरेटिव ए आई में जम्प करने से पहले आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली जनरेटिव ए को आपसे आशना करवाना है आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने नाम बड़ा सुना होगा जनरेटिव ए जनरेटिव ए और जिन लोगों को आती है बिलीव मी वो ऐसी शो ही मारते हैं ऑब्वियसली अब आप कहेंगे बाबा जी थानू ही ध्यान है बिल्कुल आती है एम जस्ट सेंग कि जनरेटिव ए इस वक्त प्री ट्रेंड मॉडल का यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी से मुराद कुछ भी आपने सिर्फ सोचना है एंड देन यू कैन डू इट विद इन नो टाइम जनरेटिव ए ने टाइम की बचत कर दी है जनरेटिव वे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं लेकिन उससे भी पहले जनरेटिव वे को समझ के करना और जनरेटिव आई का यूज़ करना दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स यूज़ कोई भी कर सकता है लेकिन समझ के जब एथिकली आप यूज़ करेंगे देन यू कैन यूज़ इट एट इट्स हंड्रेड पोटेंशियल मतलब इसके फुल पोटेंशियल पे आप इसे यूज कर पाएंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करती है जनरेटिव एआई कैसे काम करती है समझ आ गई है तो लाइक कर देना सब्सक्राइब भी कर देना यार ये क्या है कभी कभी मेरी जनरेटिव एआई नहीं चलती यहां यस yes, चल पड़ी। दिस इज ऑल्सो जनरेटिव आई ठीक है जी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं